आज की स्ट्रैटेजी कि आपकी होनी चाहिए इंट्राडे में या फिर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, इसकी हर रोज हम बात करते हैं और मदद करती हैं मेरी दो सहयोगी साक्षी और पूजा। पहले पूजा के पास चलते हैं। पूजा, पहले आप इंट्राडे का शुभारंभ कीजिए, कौन से स्टॉक्स हैं आज के लिए? इंट्राडे के लिहाज से आज अक्रॉस द सेक्टर रुझान देखने को मिल रहा है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में। एक कॉल में सेल की राय आ रही है और बाकी सब में खरीदारी की राय है। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत कर लेते हैं। इन्होंने GSPL में खरीदारी करने की राय दी है, 182 के टारगेट के लिए यहाँ पर ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। करीब 10 अंकों की तेजी आज इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकती है और स्टॉप लॉस लगाइए 172 का। दूसरे कॉल में इन्होंने गुजरात पीपावाव में खरीदारी करने की राय दी है 155 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा 146 का। और आखिरी कॉल में इन्होंने बिकवाली करने की राय दी है इंडो काउंट में, यहाँ पर आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। इंट्राडे के लिहाज से इनका मानना है कि 58 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चलिए और स्टॉप लॉस से सुझा रहे हैं 171 का। इन्वेस्टर पॉइंट्स के आप कुछ रिकमेंडेशन पर नजर डालें तो इन्होंने अपने सारे ही कॉल्स में खरीदारी की राय दी है। जो पहला इनका बाय कॉल है वो है टेक सॉल्यूशन में, 171 के लेवल्स के लिए यहां पर ये खरीदारी की राय सुझा रहे हैं और स्टॉप लॉस लगाइए 159 का। अगला जो खरीदारी करने की राय है वो है सिंजीन पर, 480 के लेवल्स के लिए यहां पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। करीब 4-5% की तेजी आज इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकती है स्टॉक में और स्टॉप लॉस लगाइए 467 का। अगले कॉल में BEML में खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं, 1560 के टारगेट के लिए बाय कॉल है और 1520 का स्टॉप लॉस लगाने का ये सुझाव दे रहे हैं। और आखिर में PTC इंडिया में इनकी खरीदारी करने की राय है 100 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 95.5 का। आखिर में मनीष शर्मा का एक रिकमेंडेशन ले लेते हैं। इन्होंने एक स्मॉल इंफ्रा स्टॉक्स नीला इंफ्रा में खरीदारी करने की राय दी है 18 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा 17 का। ठीक है, ये कुछ एक ऐसे ट्रेडिंग कॉल्स है जिसमें कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनके अंदर मोमेंटम है, जैसे कि BEML और एक छोटा शेयर नीला इंफ्रा जो भी मनीष की रिकमेंडेशन है, आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। ये 17 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, उम्मीद तो करते हैं शेयर अच्छा चलेगा। अभी गौरांग शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग, शुक्रिया, और आप हमको बधाई दीजिए, हम आपको बधाई दे रहे हैं क्योंकि एक ऐसी चीज हुई है जो कि GST के हम वेट कर रहे थे, आखिरकार वो अब पटल पर है। आप और मैं, आप GST के दायरे में हैं सर, तो अब ये बाजार कैसे चलेगा सर? अब तो एक ऐसा हिस्सा जुड़ गया मार्केट के साथ जो कि बाजार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो। सुप्रभात डिम्पी, सुप्रभात दीपाली और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सुप्रभात। तो सबसे पहले तो बधाई मेरे ख्याल से जो राजनीतिक पार्टी और लीडर है उनको देने चाहिए, और उसके साथ साथ हम सभी को मेरे ख्याल से एक बहुत ही सुनहरे अवसर का हिस्सा बनने को मिला है। आज़ादी के बाद GST का आना, 16-17 साल से इसका परिश्रम हो रहा था, लेकिन आखिरकार 1 जुलाई 2017 को ये हकीकत हुई। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ दिनों की कठिनाइयों के बाद मेरे ख्याल से संपूर्ण तरीके से हम उस ढांचे में जुड़ जाएंगे जिसकी उम्मीद और आशा और अपेक्षा हम सबको थी। इसका तुरंत फ़ायदा आने के लिए समय लगेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे आपके लिए और सभी नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, और मैं मानता हूं कि इसको लेकर के आने वाले समय में हमें और भी फायदा होते हुए दिखाई देगा। जी, अब हाउसेस की रिपोर्ट जान लेते हैं साक्षी से, और साक्षी इनफैक्ट शुरुआत में ITC से ही करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे हाउसेज ने कहा है कि इन करंट लेवल से ITC स्ट्रांगली रीरेट हो सकता है, क्या मान है उनका ITC पर पोस्ट GST? दीपाली, याद होगा आपको फ्राइडे के दिन भी एक ITC पर एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने माना था कि GST जब लागू होगा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी FMCG और टोबैको स्पेस से ITC होगा। आज भी 3 और ब्रोकरेज हाउसेज ने सहमति से एक रिपोर्ट निकाली है, आपको एक एक करके बताते हैं। क्रेडिट स्पेस ने माना है कि आगे जाते हुए हर सिगरेट पर जो टैक्स है वो 7-9% तक की कमी देगा, जिससे कि रियलाइजेशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी। आउट परफॉर्म की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है, लक्ष्य 400 का दिया है, नतीजों में भी अच्छी ग्रोथ की उनको उम्मीद है। मक्वायरी ने अगेन यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 385 का दिया है, मौजूदा लेवल से रीरेटिंग भी संभव है उनका मानना है। FY 18-19 के लिए EPS अनुमान भी बढ़ाकर 5% किया है, रियलाइजेशन में 7% तक की बढ़ोतरी हो सकती है ऐसा उनका मानना है। CLSA ने जो रिपोर्ट जारी की ITC पर, उनका मानना है GST से टैक्स घटकर सीधा 8% आ जाएगा और हाई कन्विक्शन बाय लिस्ट में उन्होंने बरकरार रखा है, लक्ष्य को 375 से बढ़ाकर 417 का अब लक्ष्य यहां पर दे दिया है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं ITC के संदर्भ में एटलीस्ट। ठीक है,
जो चीज सबसे पहले मुश्किल में लाती थी वही चीज के लिए फायदे का सौदा साबित हो गई है, वह है सिगरेट कारोबार। आईटीसी सिगरेट की वजह से अब चल रहा है, और खैर उम्मीद तो हम नहीं करते कि सिगरेट के दाम घटे, हाँ लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि रैशनल टैक्सेस हो गए हैं, तो इन कंपनीज को अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी जीएसटी के दायरे के अंदर ही है। अब साक्षी इसके अलावा कोई और ऐसे शेयर्स? इसके अलावा एक पावर सेक्टर पर रिपोर्ट जारी हुई है जेपी मॉर्गन की तरफ से। पूरे ही सेक्टर में से उन्होंने चुना है पावर ग्रिड, एनटीपीसी और एलएनटी को उनकी टॉपिक्स हैं। यहाँ पर तीनों ही एलएनटी, एनटीपीसी और पावर ग्रिड पर आउट ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पर दी है, लेकिन बीएचईएल पर अभी भी जेपी मॉर्गन अंडरवेट है। इसके अलावा ल्यूपन पर एक रिपोर्ट आई है, एचएसबीसी की न्यू लॉन्चेस को लेकर काफी पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है। जीविका मॉक्स अब जो यूएस में लॉन्च होने वाली है कंपनी के लिए, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। खासतौर पर 27 करोड़ डॉलर्स तक का कारोबार भी यहां पर संभव है, जो कि कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारती इंफ्राटेल पे आज की आखिरी रिपोर्ट है, नोमियुरा ने यहां पर रिपोर्ट जारी की है, न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को 330 से बढ़ाकर 396 किया है। ठीक है, तो ये हाउसेस की रिपोर्ट है, और आईटीसी पर इनफैक्ट कमेंट गौरांग का ले लेते हैं। गौरांग, आईटीसी हालांकि ऑलरेडी हमने एक अच्छा मूव स्टॉक में देखा है, लेकिन अब जो हाउसेस कह रहे हैं कि इन लेवल से ये स्ट्रांगली रीरेट हो सकता है, और सीएलएसए ने तो हाई कन्वेक्शन बाय लिस्ट में इसको ऐड किया है 400 प्लस के टारगेट्स के साथ, आप बाय करने की सलाह देंगे 320 के लेवल्स पर जहां पर ये बंद हुआ पिछले सेशन पर? दीपाली, एक लंबे समय से ये 280-285 पे जूझता रहा स्टॉक, और हर बार बजट के दौरान या फिर हर कोई राज्य से ऐसा कोई पाबंदी की खबरें आती है तो इस स्टॉक को लेकर के मायूसी दिखती है। हमें उत्साह आईटीसी के तंबाकू और तंबाकू पदार्थ के कारोबार के अलावा जो बाकी अन्य कारोबार हैं वहाँ से प्रोत्साहन आता हुआ दिखता है, और जिस तरीके से मैनेजमेंट भी खास करके अपनी एग्री कारोबार को लेकर के, फूड बेवरेजेस, रेडी टू ईट फूड के कारोबार को लेकर के जो विस्तार योजनाएँ की है और वहाँ से जो योगदान आना शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है कि वो अब समय चला गया है जहाँ पर आईटीसी सिर्फ तंबाकू और तंबाकू पदार्थों के कारोबार पर निर्भर था। अब चौतरफा आपको यहाँ से योगदान आता हुआ दिखता है बैलेंस शीट पर, और जिस तरीके से ये जीएसटी को लेकर के एक सकारात्मक सी खबरें हैं, डेफिनेटली हमारी कन्विक्शन और भी मजबूत हो गई है। हमारा भी लक्ष्य करीबन 350 से लेकर के 375 का है लंबी अवधि के नज़रिए से। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आईटीसी पे सपोर्ट दे रहे हैं कुरांग, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे देखा जा सकता है, और इसमें ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस का लक्ष्य तो आपको पता ही है कि 400 प्लस आबादना शुरू हो गया है। गौरांग, इस बीच ना बैंकिंग स्टॉक्स पे बाजार की पूरी नज़र है, बैंक को लेकर क्या गतिविधियां हो रही हैं इन सब चीज़ों, लेकिन मैंने ना दो हिस्सों में जो बाजार को देखा, स्पेशली बैंक निफ्टी को, उसमें ऐसा लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक कुछ कर गुजरना चाहते हैं, पता नहीं क्या कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन प्राइजेज में दिख जरूर रहा है। मैं स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आपसे राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें आज एक खबर भी आई है, ये करीब 25,000 करोड़ रुपये जुटाना भी चाहते हैं, इनकी योजना है, हालांकि डेट के जरिए होगा और आगे चल के कुछ और बेनिफिट्स भी इनको मिल सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का बयान आया है। जरा आप आईसीआईसीआई बैंक पे बताइए, खासकर आईसीआईसीआई बैंक। तो डिम्पी, एक लंबी अवधि के नज़रिए से कुछ नहीं कर रहे थे दोनों ही स्टॉक, दिग्गज होने के बावजूद निजी क्षेत्र की बैंक एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों पर हमारी पहले तो एज डिस्क्लोजर खरीदारी की कवायद है। 580-620 का लक्ष्य एक्सिस बैंक पर है, 365 से लेकर के 375 तक के लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक पर है, और जिस तरीके से ये जो डेवलपमेंट हुई और खास करके आईसीआईसीआई बैंक का जो आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे खास उस पर सवाल पूछ रहे हैं, तो ये जेपी अल्ट्राटेक की डील हुई, 5,000 करोड़ का कर्ज जेपी ग्रुप का था, इस बैंक का एक्सपोजर था, ये भी हकीकत है, अब सुधार होते हुए दिखेगा, तो मुझे लग रहा है कि अब समय आ चुका है इन दोनों ही बैंक को अपना योगदान देने के लिए, क्योंकि एक बहुत लंबी अवधि से अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे, और नतीजों को लेकर करके भी जो नियमों में बदलाव हुए डिम्पी बैंकिंग क्षेत्र और सरकार और आरबीआई की तरफ से, वो भी एक बहुत ही अच्छी खबर है, ना तो सिर्फ निजी बैंकों के लिए लेकिन सरकारी बैंकों के लिए ज़्यादा। एक्चुअली गुरांग से हमने ना क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि अगर ना बैंकिंग स्पेस इस समय बाजार के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है दीपाली, अगर आप बैंकिंग में फिर आप सरकारी में आ जाएं, आप गैर सरकारी में रहें, आपके पास बहुत सारी चॉइस है, आपको चुनना एक ही बैंक है, आप एक से दो बैंक से ना ले भी नहीं पाओगे, अच्छा ले पाओगे तो आपका एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास टोटल 5 से 8 शेयर होंगे, 10 शेयर होंगे, 3 बैंक रख लोगे तो 30% हो जाएगा, तो 25% बैलेंस करने के लिए आपको एक बैंक होना चाहिए आपके पास, वो जो
तेजी से चले, अच्छा है, वैल्यूएशन ठीक है। वैसे भी जो तेजी की हम बात अभी थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे कि ठीक है ये क्यूज है, शायद मार्केट यहाँ से एक डायरेक्शन लेते हुए दिखे, बिना बैंक के सपोर्ट के वो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि गति देने के लिए बैंक चाहिए, उसमें आप आईसीआईसीआई बैंक चुन लीजिए। इसलिए हमने जानबूझ के आपके सामने कॉल रखी है, आप आईसीआईसीआई बैंक पर जरूर ध्यान दीजिए आगे चल के। लेकिन अभी हमने आईटीसी की बात की थी, एचयूएल की भी बात कर लेते हैं क्योंकि एचयूएल खबरों में है और जीएसटी रोल आउट के तुरंत बाद एचयूएल ने प्राइसेस में कटौती भी की है, चुनिंदा प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती की है और साबुन की कैटेगरी में, सर्फ की कैटेगरी में 3% से लेकर 30% तक के प्राइसेस को रिड्यूस किया गया है। लेकिन गौरांग, एक इन्वेस्टर के मन में कन्फ्यूजन जरूर होगा कि एफएमसीजी के जो दो लीडर्स हैं एचयूएल और आईटीसी, इन दोनों में से पिक किसको करें। आईटीसी पर आपने अपना व्यू शेयर किया लेकिन रिसेंट रैली के दोनों ही लीडर रहे हैं, इसलिए ये कन्फ्यूजन बनता भी है। एचयूएल पर कॉमेंट्स क्या है? तो मैं एक सूची आपके सामने रखता हूं ताकि आसानी हो जाए आपके दर्शकों को और निवेशकों को पसंद करने में एफएमसीजी क्षेत्र में। तो आईटीसी का तो जिक्र अभी डिम्पी के साथ हम जब बातचीत कर रहे थे उसका जिक्र किया। एचयूएल पर भी दिग्गज एफएमसीजी की कंपनी, पॉजिटिव कवरेज, लेकिन एचयूएल पर जो जो फ़र्क है आईटीसी और एचयूएल में वो वही है मैं जैसे जिक्र कर रहा था। आईटीसी का तंबाकू और तंबाकू पदार्थों का कारोबार उस पर निर्भर था और बाकी अन्य कारोबार से अब योगदान आना शुरू। एचयूएल के ऊपर तंबाकू पदार्थों का कोई भय नहीं है, लेकिन पेरेंट को यू नो इनको रॉयल्टी देनी पड़ती है वगैरह वगैरह, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रोमोज एक्सपेंस को लेकर के यहाँ पर थोड़ी बहुत गुंजाइश खर्चे की ज़्यादा है ताकि मुनाफे के जो मार्जिनस है वो उसमें दबाव आता है। इसके अलावा, ये दिग्गजों के अलावा, हमारी कवरेज इमामी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, डाबर, मैरिको, इस सब पर भी, और कहीं ना कहीं दीपाली मुझे लग रहा है कि जो मिड कैप एफएमसीजी स्टॉक्स है उनका परफॉर्मेंस आने वाले समय में तीव्र गति से बेहतर हो सकता है नतीजों के आधार पर। बिल्कुल, क्या री रेटिंग का कैंडिडेट तो है एफएमसीजी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।